बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में निकट है और उसको लेकर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो बसपा के जो बागी विधायक हैं उन्होंने अखिलेश यादव से आज मुलाकात की, तो फेरबदल की जो कयास है, एक बार फिर दल बदलने की जो कयास है उसको एक बार फिर हवा मिल गई है। मार्तंड में आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगी, 9 विधायकों ने मुलाकात की है, इन विधायकों की सूची में कौन कौन शामिल है? क्या बसपा के बड़े नेता भी इस सूची में शामिल है जिन्हें अभी हाल फिलहाल में निष्कासित किया गया है बसपा से? जी देखिए, उत्तर प्रदेश इस समय विधानसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है और जो तस्वीर आज आपने देखी वो तस्वीर आने वाले समय में भी दिखती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पे जातीय समीकरण हमेशा हावी रहते हैं और पार्टियां जो है एक दूसरे में जो भी मजबूत कैंडिडेट होता है उसको तोड़ने में लगी रहती है, या जो कैंडिडेट होते हैं वो खुद ही उन पार्टियों की तरफ रुख करते हैं जिनको उनको लगता है कि जो सत्ता में आ सकती है। तो इसमें इस बार जो है ये जो आपको बड़ी खबर जो मिली, ये 7 विधायक, पहले तो एक चीज ये बता दें, 7 विधायक वो विधायक हैं जो राज्यसभा चुनाव में बसपा ने आरोप लगाया था कि क्रॉस वोटिंग करवाई गई सपा की तरफ से, जो जो इनके विधायक थे वो सपा से जा मिले थे। तो उन विधायकों पे ये फरवरी में एक कार्रवाई हुई थी, ये सारे वही विधायक थे जिसमें असलम रानी जो कि भिंगा श्रावस्ती से विधायक है, मुस्तफा सिद्दीकी जो प्रतापपुर इलाहाबाद से विधायक हैं, हाकिम लाल बिंद हंडिया प्रयागराज से विधायक हैं, हरगोविंद भार्गव जो कि सिधौली सीतापुर से विधायक है, असलम अली चौधरी ढोलना हापुड़ से विधायक है, इनके साथ इनके प्रतिनिधि भी आए थे, सुषमा पटेल जो मुंगरा बादशाहपुर से विधायक है, और ये तमाम लोग जो है आज अखिलेश यादव से मिले। एक और बात बता दूं कि ये पहली मुलाकात नहीं थी, इससे पहले भी इन विधायकों की सपा सुप्रीमो से मुलाकात हो चुकी है और आज की मुलाकात में हालांकि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा नहीं थे लेकिन इनको लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से उनका उपयोग समाजवादी पार्टी कर सकती है। माना जा रहा है कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ये लगातार जो है जो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव में ये टिकट मांग रहे थे अपने करीबियों के लिए और टिकट नहीं दिया गया, वो लगातार उस समय से नाराज चल रहे थे और उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने इनके ऊपर कार्रवाई की, इनको पार्टी से निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं राम अचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों ही बड़े नेता माने जाते हैं। यही मेरा सवाल भी था क्योंकि लगातार ये क्यास भी लगाया जा रहा था कि राम अचल और लालजी वर्मा जो है वो जल्द ही किसी ना किसी पार्टी का दामन किसी पाले में किसी के जा सकते हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक है और ताकत को, अपनी ताकत को, अपने दल को मजबूत करने की हर एक पार्टी कोशिश कर रही है, तो उसी में सपा भी उतर आई है। हालांकि आपको क्या लग रहा है 2022 का सपा का क्या कुछ प्लान होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से विधायकों से मुलाकात की तो क्या छोटे दल को लेकर सपा आगे बढ़ने वाली है या आपको लग रहा है कुछ बड़े दलों के साथ भी मीटिंग का दौर शुरू होगा? अभी 6 महीने चुनाव में है, उत्तर प्रदेश में राजनीति समीकरण कब बदल जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। कई बार हमने पहले देखा है कि 2 धूर विरोधी दल भी एक साथ आ जाते हैं, हालांकि अखिलेश यादव की बात करें तो पहले क्लियर कर चुके हैं वो किसी भी बड़े दल बसपा और कांग्रेस का, जैसा उन्होंने अभी पहले गठबंधन करके चुनाव में गया लेकिन कोई खास नतीजा इनको नहीं मिला, तो वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बड़े दलों के की बजाय उनका ध्यान छोटे दलों पर केंद्रित रहेगा। और आज का जो घटनाक्रम है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये वो विधायक है जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में चली थी जिसमें बड़े मुश्किल से कद्दावर कई चेहरे थे उनको भी अपनी सीट गंवानी पड़ी थी, तो ये वो विधायक हैं जिन्होंने उस लहर में भी अपनी सीट बचाई, तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं इनका होल्ड अपने क्षेत्र में है। और उसके बाद हम बात करेंगे राम अचल राजभर और लालजी वर्मा, उनकी गैर मौजूदगी में अगर इस बात की चर्चा होती है जब इस मुलाकात में, तो जाहिर तौर पर आप इनके कद का अंदाजा लगा सकती हैं, ये बहुजन समाज पार्टी में थे तब भी ये इनका कद बहुत ऊंचा था और पूर्वांचल से आते हैं जहां पे कि जातीय समीकरण जो है थोड़े से बाकी प्रदेश में और जगहों से अलग है, वहां पे जातीय समुदाय और चेहरे पे ही वोट होता है और दोनों लोग कहीं ना कहीं तमाम नेताओं ने अपनी जो पकड़ है वो बनाई हुई थी, लेकिन बसपा से अलग होने के बाद बसपा में भी तो भारी कमी दर्ज की जाएगी क्योंकि एक के बाद एक लगातार विधायकों का जो बागी होना है वो लगातार बसपा से सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बसपा भी तो कमजोर होती नजर आ रही है और लगातार हम यही देख रहे हैं मायावती भी सामने नहीं आती फ्रंट फुट पर। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि मतलब ये बसपा के विधायक जो बसपा से बाहर गए हैं, जाहिर तौर पे ये जीते हुए विधायक हैं और ऐसे उसमें जिसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर थी उसमें ये जीते थे, तो कहीं ना कहीं इनका अपना प्रभुत्व है अपने क्षेत्रों में तभी ये जीत पाए उस लहर में, तो ऐसे में बसपा की चिंता की लकीरें जाहिर तौर पर जो है बड़ी है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है अंदर खाने चल रहा होगा। अभी 6 महीने का समय बाकी है, जैसा मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है, तो अभी जल्दीबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन इतना तो तय है कि इन
विधायकों को बसपा से, हालांकि बहन जी ने खुद निष्कासित किया, लेकिन इसके बाद जरूर बसपा कमजोर हुई है। राम अचल राजभर और लाली वर्मा की बात करें, ये अंबेडकर नगर क्षेत्र, अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता है और वहां से ये लोग पूर्वांचल के टिकट बंटवारे में भी इनकी सहभागिता होती थी। तो जाहिर तौर पर बसपा के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि 6 महीने का समय बचा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा आखिर किन चेहरों को और आगे करती है, और ताकि उसका 9 बागी हो गए हैं और लगातार जो टूटने का सिलसिला है वो विधायकों का जारी है। उसके बाद अब बसपा को सुनिश्चित करना होगा कि वो 2022 के राजनीतिक समीकरण बैठाएं और अपनी पार्टी को कैसे वो एक बार फिर से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारती है, देखना भी अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मार्तंड तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, क्योंकि 2022 के चुनाव में महज कुछ महीने रह गए और इस बीच 9 विधायकों का बागी होना बसपा से एक बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं दल कमजोर हो जाता है और ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी पैठ बनाई हुई थी अपने क्षेत्र में। जातीय समीकरण की बात करें तो पूर्वांचल में इन तमाम नेताओं में से कई नेता ऐसे हैं जिनका पूर्वांचल क्षेत्र में काफी ज्यादा पैठ जमी हुई है, तो इसको लेकर भी अब बसपा की जो पार्टी है कमजोर होती जा रही है। तो वहीं सपा की मुलाकात हुई है 9 बागी विधायकों से, हालांकि इसमें रामाचल और लालजी वर्मा शामिल नहीं थे, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि हाल फिलहाल में रामाचल और लालजी वर्मा बसपा से अलग हुए हैं, तो जल्द ही नए दल में शामिल हो सकते हैं। वहीं देखना अहम होगा कि अब सपा में ये विधायक कब तक शामिल होते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में 24 घंटे में